भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से हटा दे।
और आप डॉक्टर अरविंद पांडे जी महाराज आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप लोगों की सेवा विशेष रूप से समाज में होती रहती है। मैं अतिथियों से आग्रह करूंगा कृपया यथास्थान आने की कृपा करें। यहाँ पर आयोजक परिवार के और पंडित जगदीश द्विवेदी जी के बड़े पोते रवि भारद्वाज जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि यहाँ पर आए रवि भारद्वाज जी, मैं आग्रह करूंगा आप डॉक्टर अरविंद पांडे जी को अंग वस्त्र गीता दे करके आप और आप लोग इस तरफ आ जाए, थोड़ा एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें आप सभी लोग और आगे आ जाए। मैं आग्रह करूंगा मृणाल जी से कि आप भी आए और राम किशोर जी को अंग वस्त्र और गीता भेंट करें। एक बार अतिथि का सम्मान में आप लोग थोड़ा और आगे आ जाए, एक बार ताली अवश्य बजाते रहें। आप सभी से निवेदन है आप गीता भेंट करते हुए। मैं आग्रह करूंगा रवि भैया से कि आप मनोज चचा को अंग वस्त्र गीता देकर के सम्मानित करें। एक बार जोरदार ताली से आप स्वागत करते रहें। एक बार सम्मान समारोह इस मंच पर हो गया। मैं आग्रह करूंगा अतिथियों से कि आप यथाशीघ्र अपना स्थान लेकर के प्रवचन सुनने की कृपा करें और उनके समस्त आदरणीय सहयोगीगण, मंच संचालक दीपक उपाध्याय जी, मोनू उपाध्याय जी, मोनू और पिंकू जी, इस कार्यक्रम में सम्मिलित प्रोफेसर देवेंद्र द्विवेदी, अन्य समस्त आदरणीय सज्जनगण, एक आश्चर्य की बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं। ये मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता और तृप्ति की बात यह है कि जब आप गोह में आए, आपको लोगों ने देखा, आज इस मंच पर भी देखा, तो ये सभी लोग कहते हैं कि आपकी मुखाकृति मेरे पिता की मुखाकृति से मिलती है। ऐसे में आपके चरण स्पर्श की अनुभूति मुझे यही होती है कि जैसे मैं अपने पिता के चरण स्पर्श कर रहा हूं। ये बड़ी अद्भुत संयोग है सलील जी, ये बड़ी अद्भुत संयोग है कि जिसकी स्मृति में मैं आयोजन करवा रहा हूं, वो महान विभूति आज मंच पर लगता है कि मेरे सामने बैठे हुए हैं। सचमुच में यही बात लोगों ने कहा, सचमुच में ही बात लोगों ने कहा कि मेरे पिताजी से आपकी मुखाकृति मिलती है। मैं आश्चर्य में भी हूं, आनंद में भी हूं, मैं आश्चर्य में भी हूं और आनंद में भी हूं। कुछ और बात कहने की है तो मैं कह सकता हूं कि गोह में आपने तो भक्ति मंदाकिनी बहा दी है, जिसमें लोग सराबोर हो रहे हैं, उब नहीं रहे हैं। आप देख रहे हैं कि झुंड के झुंड लोग आ रहे हैं, शायद ऐसी भक्ति गंगा में डूबने का अवसर उनको और नहीं मिला है। लोग बार बार एक बात कह रहे हैं कि सलील जी को बार बार बुलाइए। मैं भी सुन रहा हूं कि सलील जी को बार बार बुलाइए। लोग कहता है कि आज के लोग, आज के लड़के, आज के लोग तो सिनेमा पसंद करते हैं, उपन्यास पसंद करते हैं, कहां लोग जो है धर्म और अध्यात्म के प्रति रुचि लेते हैं। लेकिन आपने तो गोह में धर्म का उन्माद पैदा कर दिया है। ऐसा लगता है कि धर्म का उन्माद पैदा हो गया, लोग झुंड के झुंड आ गए। इसके लिए भी मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद। वंशी विभूषित करार नवनीर दाभात पीतांबरो तरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहम् न जाने। मनोजवम् मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
वातात्मजं वानरयूत मुख्यम श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये। आपुदाम भर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहावौ पुत्रेति तन्मयतया उत्तरवो विनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपायो विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलबाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद भागवत मा पुराण की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे।
बालकृष्णल की पावन कृपा से श्रीमद् भागवत कथा आज षष्ठ दिवस सुभारती चैनल के माध्यम से जो देश विदेश में बैठकर भक्त लोग उस कथा का श्रवण कर रहे हैं, उन सभी भक्तों को व्यासपीठ से राधे राधे। ये कथा महर्षि चमन की तपस्थली, ऐसा कहते हैं पावन पवित्र भूमि गोह की, यहां से कथा का श्रवण कर रहे हैं। पूज्य श्री द्विवेदी जी की पावन स्मृति में उनके यशस्वी पुत्र एवं समस्त पौत्रगण बड़ी श्रद्धा से इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। एक जब मैं पढ़ता था उस समय एक श्लोक मुझको याद था, ये कहां का ये तो मुझे याद नहीं। यस्मै देवा प्रयान्ति पुरुषाय पराभवम् बुद्धिं तस्यापकर्षन्ति सेवाचीनानि पश्यति। देंगे कहते हैं जिस व्यक्ति के भाग्य में अगर पराजित लिखी होती है ना, ईश्वर उसकी बुद्धि को पहले ही हर लेते हैं। अरे अनुभव करना, ऐसे व्यक्ति को आप कभी
अच्छी बात समझाएंगे ना उसको अच्छी बात कभी समझ में आएगी। क्योंकि वो केवल उन अच्छी बातों में भी वो बुरा ही ढूंढता है। ऐसे व्यक्ति को लगता है कि ये मेरे शत्रु हैं। देवा प्रयांति बंधुओं, जीवन में लोग कहते हैं लक्ष्मी जो है वो कर्म से मिलती है, मानता हूं। अगर लक्ष्मी कर्म से ही मिलने लगे तपती धूप में जो मजदूर रिक्शा चलाता है, जो लेबर काम करती है, उससे ज्यादा तुम तो मेहनत कर भी नहीं सकते। जहां मैं यहां रुका हूं उसके बगल में मैं देख रहा था परसों एक छत की ढलाई हो रही थी, मजदूर भाग रहे थे। इधर बरसात की बूंदाबांदी आ रही थी, ठेकेदार सोच रहा था कि जल्दी से डाल दूं छत। मैं बड़े ध्यान से देख रहा था। लक्ष्मी कभी मेहनत से नहीं मिलती, लक्ष्मी जब भी मिलती है व्यक्ति के पुण्य से मिलती है। पुण्य के साथ व्यक्ति अगर कर्म भी करता है अच्छे, तब लक्ष्मी मिलती है। आज मैं एक बात हमेशा कहता हूं, परमात्मा ने हमको इतना कुछ दिया है, कभी सोचना क्या परमात्मा ने हमको दिया है क्या हम उसके कभी लायक थे? उसने देने में कसर नहीं छोड़ी ना, उसकी कृपा में कमी नहीं है और हमारी नालायकी में कमी नहीं है। क्या 24 घंटे क्या 24 घंटे के अंदर हम कभी 24 मिनट भी ठाकुर के लिए निकालते हैं और ठाकुर के सामने जाते भी हैं तो बस केवल प्रभु तूने ये नहीं दिया, प्रभु तूने ये नहीं दिया। अच्छा अनुभव करना, किसी के साथ अच्छा कुछ बुरा होता है ना तो कहता प्रभु वाई मी, मैं ही क्यों, ये दुनिया बड़ी है तूने मुझको ही चुना। और जब अच्छा होता है तो प्रभु से हम कहते प्रभु वाई मी, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही अच्छा क्यों कर रहे हो, अच्छा तुमको पड़ोसी के साथ भी करना चाहिए। व्यक्ति को जो जो प्रार्थना की जाती है, परमात्मा ने इतना कुछ दिया है, प्रार्थना का नाम है थैंक्स गिविंग, माने परमात्मा ने हमको जो दिया है उसका परमात्मा को धन्यवाद करना। ठाकुर तूने इतना कुछ दिया है, हम इसके लायक नहीं थे। और मैं मानता हूं अगर सच्चे दिल से अगर प्रभु की अगर प्रार्थना की जाती है, सच्चे दिल से अगर ठाकुर को पुकारा जाता है तो ठाकुर किसी ना किसी रूप में आता है। कहते हैं कि एक सेठ जी को रात को नींद नहीं आ रही थी,
करीब रात का 2:30 बज रहा था, नींद नहीं आ रही थी। कुछ बेचैनी हो रही थी। सोचा कि थोड़ी खुली हवा में जाऊं। गाड़ी निकाली, एक लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। जब बहुत दूर पहुंचे, एक मंदिर के बगल में से निकले तो मंदिर की लाइट जली हुई थी। अरे 3:30 बजे इस मंदिर में कौन है रात को? तो उन्होंने गाड़ी पार करी और मंदिर में आए। भैया, ए भैया, भैया बात नहीं करनी, व्यवस्था करनी है तो बिना बोले करें। भैया जो आपको पूछना हो एक ही बार पूछ लो, बार बार यहां मत आओ, मैं आपसे कह रहा हूं। अच्छा ठीक है, ठीक है। सेठ जी मंदिर में आए, उन्होंने क्या देखा, एक गरीब आदमी मंदिर में, मंदिर पट बंद थे, ठाकुर से प्रार्थना कर रहा था। बोले प्रभु मेरी पत्नी का सुबह ऑपरेशन है, ऑपरेशन में लगभग 10,000 रुपये खर्चा है, अगर पैसा नहीं मिला तो पत्नी का कुछ भी हो सकता है, मेरे तो केवल तुम ही हो और मैं किसके पास जाऊं। सेठ जी ने सुना पीछे से, सेठ जी उसकी कंधे पर हाथ रखकर कहा, अरे कोई बात नहीं, आपकी पत्नी बीमार है, जिम में हाथ डाले, 2,000 के 5 नोट निकाले, 10,000 रुपए उसको दे दिए। भगवान को पुनः प्रणाम कर व्यक्ति जब चलने लगा तो सेठ जी ने अपना कार्ड उसको दिया, भैया ये कार्ड ले ले, और भी जरूरत हो तो आकर मिल लेना मेरे ऑफिस में आकर। जानते उस व्यक्ति ने क्या कहा? बोले सेठ जी मुझे आपके पते की जरूरत नहीं है, मेरे पास उस ऊपर वाले का पता है जिसने रात को 3 बजे आपको यहां भेज दिया है। मैं तेरा पता लेकर क्या करूंगा? यह है प्रार्थना। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है ना सच्चे दिल से, परमात्मा सुनते हैं। कल प्रसंग चल रहा था, कल अल्लाह गुल्ला ज्यादा हुआ तो मुझे प्रसंग चेंज करना पड़ा। भगवान ने क्या देखा कल? ब्रजवासी लोग इंद्र के पूजन की तैयारी कर रहे थे। किस बल्लाम ने देखा और देखकर नंद बाबा से पूछा, कथिता में पितक कोयम संभ्रभो वा उपागत किं फलम कस्य चोद्येष्यो कीन वा साध्यते मखा। बाबा ये जो इंद्र का पूजन की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, कत्तिताम में पितक कोयम, क्यों कर रहे हैं? इस यज्ञ को करने का उद्देश्य क्या है? किं फलम, इसका क्या फल है? कोई तो रीजन होगा इसको करने का। भगवान ने फिर पूछा,
तत्र तावत् क्रियायोगो भवताम किम विचारितो अथवा लौकिक स्तन में प्रच्छतो साधु वर्ण्यताम। बाबा ये जो आप लोग यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं इंद्र की, हर साल करते हैं? बोले हाँ। बाबा ये बताइए कि इसका वर्णन कर्मकांड में आता है क्या? ये पूजन लौकिक है? कि वेदों में इसका वर्णन आता है इंद्र का पूजन होना चाहिए? बाबा मैं तो जानता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नंद बाबा ने उत्तर दिया इस चीज का, भगवान संतुष्ट नहीं हुए। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्यात्म मूर्तयो तेवी वर्षन्ति भूतानां प्रीडनं जीवनं पयो। बेटा हम लोग किसान हैं, हाँ, और हमारी खेती है। इंद्र बरसात करते हैं, हमारे यहां पर अन्न होता है। और बेटा एक बात आपसे कहें, या एवं विसृजे धर्मम पारंपर्यागतम नरो कामाम लोभात भय द्वेषात सवैवाप्नोति शोभनम। ध्यान देना, नंद बाबा ने कहा, बोले बेटा जो परंपरा से प्राप्त अगर कोई पूजन होता है ना बेटा, उसको लोभ के वशीभूत, काम के वशीभूत अगर कोई छोड़ता है ना तो बेटा उसका मंगल नहीं होता। जो इंद्र का पूजन है ना, हमने अपने पिता से सीखा और हमारे पिता ने अपने पिता से सीखा, उनके पिता ने उनके पिता से सीखा, और हम तो बस हम कर रहे हैं, अब तुम भी करो। देखो बहुत सी पूजन लौकिक होते हैं। लौकिक माने जैसे आप लोग बिहार में रहते हो, दीपावली के बाद में कार्तिक में एक बिहार में बहुत उत्सव मनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? छठ। बिहार में छठ को पूजते हो और बड़ी महिमा छठ की है। उसमें अस्त सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। माताएं सब जानते हैं यहां के, इनको बताने की जरूरत नहीं। ये जो छठ का पूजन है, मिली भगवान सूर्य का पूजन करते हैं। ये छठ का पूजन बिहार में होता है, बंबई में तो नहीं होता। अब वो बात दूसरी है, अगर बिहार के लोग बंबई में रह रहे हैं तो वहां मनाएंगे, लेकिन पूरा बंबई तो नहीं बनाएगा। जो महाराष्ट्र के रहने वाले लोग हैं प्रॉपर, वो तो छठ नहीं मनाएंगे। अब जैसे बंगाल में दुर्गा पूजा होती थी, अब तो हर जगह होने लगी। दुर्गा पूजा का कहां का महत्व है? बंगाल का, ये वहां का लौकिक पूजन हुआ। महाराष्ट्र में गणपति का पूजन होता है विशेष तौर पर, लेकिन ये अब जैसे साउथ में आप लोग जाओ तो ओणम वगैरह, एक साउथ के बहुत से त्योहार हैं जो आपको पता भी नहीं है वहां होते हैं और कब की छुट्टी भी होती है। तो ये लौकिक पूजन है। तो नंद बाबा ने कहा,
बेटा ये जो लौकिक पूजन है ना, ये जो करते हैं ना, अच्छा देखो कभी कभी हम लोग देखा देखी भी करते हैं, ध्यान दो। एक पिता मंदिर की सीढ़ी चढ़ रहा था और सीढ़ी पर पानी पड़ा था और पिता ने धोती पहन रखी थी। अब जब धोती पानी में नहीं गिरे तो पिता ने क्या किया, धोती थोड़ी ऊपर कर ली। उसका लड़का पीछे पीछे आ रहा था, लड़के ने क्या देखा कि जब मंदिर चलते हैं तो धोती को ऊपर कर लेते हैं भले पानी हो ना हो, और लड़का भी जब भी मंदिर जाता पानी हो ना हो लेकिन धोती ऊपर जरूर कर लेता था। बहुत सी चीजें हम देखा देखी भी करते हैं। इस काम में माताएं बहुत आगे रहती हैं। पता चलना चाहिए कि पड़ोस की बहू सोमवार का व्रत कर रही है, सास कहेगी तुमको पता नहीं है चालू कर दिए हैं वो पड़ोस सोमवार का व्रत कर रहे हैं तुम भी चालू कर दो, उनके यहां साल भर में गाड़ी आ गया। बस हम लोग देखा देखी करते हैं। सोमवार को शंकर जी को मनाएंगे, मंगलवार को श्री हनुमान जी महाराज, बुधवार को श्री गणेश जी महाराज, गुरुवार को केला सींचेंगे, पीले खाएंगे और पीले ही पहनेंगे, शुक्रवार को पहले बेचारी संतोषी माता थी, अब तो न जाने कहां चलेगी संतोषी माता। जब संतोषी माता की पिक्चर आई थी ना, घर घर संतोषी माता का खेल चलता था, आपको याद तो होगा। नहीं बच्चों को याद तो नहीं होगा, क्यों भैया याद है संतोषी माता पिक्चर, देखे हो? नहीं देखे, सुने हैं। मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। ये आरती थी। और जब पिक्चर आई जगह जगह संतोषी माता की पूजा हो रही थी। अब संतोषी माता बेचारी कहां गायब हो गई है, दो चार साल से उन्होंने कैलेंडर भी लगा था, वो कैलेंडर भी कहीं पुताई में फेंक गया। अब उनकी जगह वैभव लक्ष्मी आ गई हैं। बोलो राधे राधे, आके बिहार में आई कि नहीं आई? अच्छा आप में से कोई ऐसा है जो अभी भी संतोषी माता की पूजा करता हो, हाथ खड़ा करो। बेचारी बड़ी बूढ़ी, हाँ दो चार ने हाथ खड़ा कर दिया बस की। और एक कमाल की बात देखना, संतोषी माता का वर्णन किसी शास्त्र में नहीं आता, किसी में नहीं आता। और शनिवार को शनिदेव, रविवार को भगवान सूर्य। हम लोग देखा देखी भी पूजन करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, घर में एक ठाकुर हो, एक ठाकुर और एक सदगुरु हो, बस। और हमारे यहां जहां जाते हैं ना, वहां से एक ठाकुर जी की तस्वीर उठा लाते हैं, पूरे मंदिर में ठाकुरी ठाकुर ठाकुरी ठाकुर लगा देते हैं। हमारा कल एक परिवार मिलने के लिए आया, संभवतः वो भी यहां बैठा हुआ है। दोनों पति पत्नी आए तो गुरुजी हमें आपसे बात करनी है।
हमने कहा पूछो क्या पूछना है। गुरुजी हमको ये पूछना है कि हम पूजा क्या करें। तो मैंने कहा एक बात बताओ कि आप पूजा क्या करते हो पहले ये बताओ। तो कहा गुरुजी हमारे पास में घर में गोपाल जी हैं उनको नभाते हैं, शंकर जी हैं उनको नभाते हैं, उसके बाद में एक हनुमान चालीसा करते हैं, एक दुर्गा चालीसा करते हैं, एक गायत्री की माला करते हैं और सुंदरकांड भी करते हो ना, क्या क्या बताया और क्या क्या बताया। मैंने कहा इतना तो हम भी नहीं कर जितना तू करती है। बोलो राधे राधे। ज्यादा प्रपंच नहीं करना चाहिए, ज्यादा के चक्कर में रहोगे ना कि ये भी माला कर लें, ये भी माला कर लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, सब चला जाएगा हाथ से, सब चला जाएगा हाथ से। केवल एक एक ग्रंथ हो, एक पंत हो, एक संत हो, केवल एक को पकड़ लो। देवी देवता कभी खरबूजा देखे हो? खरबूजा, खरबूजे के ऊपर लकीर बनी रहती है लेकिन अंदर से खरबूजा एक होता है। और संतरा बाहर से एक दिखता है लेकिन संतरे की फांक अलग अलग होती है। हमारे धर्म की विशेषता है, कहने को इतने देवता हैं लेकिन खरबूजे की तरह से सारे के सारे देवता एक ही है। मानो कोई छोटे बड़े नहीं है, सब समान है। एक इष्ट होना चाहिए जीवन में, एक इष्ट हो। भगवान ने बात सुनकर एक बहुत अच्छी बात कही। कर्मणाम जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम खेमम कर्मणैव विपद्यते। भगवान ने कहा बाबा जीव को सुख दुख जो मिलता है ना कर्म के द्वारा मिलता है, इसमें इंद्र क्या करेगा बाबा। व्यक्ति जैसा कर्म करता है ना उसको वैसा भोगना पड़ता है। और बाबा आपसे की बात कहें कि इंद्र किसी के भाग को बदल सकता है? बिल्कुल नहीं बदल सकता। अब एक प्रश्न उठता है, आपने सुना कि व्यक्ति जो कर्म करता है भोगना पड़ता है, जब हमारे भाग्य में है जो हमको भोगना ही है तो क्यों तो हम कथा कराएं, क्यों मंदिर में जाएं, क्यों दान पुण्य करें, जब हमको भोगना ही है तो क्यों करें। देखो हर व्यक्ति के जीवन में परेशानी आती है लेकिन अंतर केवल इतना है। अब देखना जो व्यक्ति सज्जन होते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, भक्ति करते हैं, सबकी भली करने की सोचते हैं, परेशानी उनके जीवन में भी आती है। और जहां काम तलवार का होता है वहां काम सुई से निकल जाता है, बस केवल अंतर यही है। हमारे एक शिष्य हैं वृंदावन आते हैं, वृंदावन में आकर उन्होंने क्या किया, जब भी आते हैं संतों का भंडारा कराते। बड़े आदमी हैं,
धन से भी हैं और मन से भी हैं महाराज। उनके पति पत्नी और उनके बच्चे अपने हाथों से संतों की झूठी पत्तर उठाते हैं और पोछा लगाते हैं। जब वृंदावन आना उनको ऐसा करना। अभी लॉकडाउन से पहले वृंदावन आए, उन्होंने साधु सेवा की और एक गाय का दान किया हमारे आश्रम में। और जब वो चले, अब देखना रास्ते में इतना भयंकर उनका एक्सीडेंट हुआ। उन्होंने गाड़ी की फोटो हमारे पास भेजी, पूरी गाड़ी चकनाचूर हो गई। अब गाड़ी देखकर ऐसा लग रहा था इसमें से कोई नहीं बचा होगा। और कमाल की बात देखना कि केवल ड्राइवर को थोड़ी बहुत चोट आई और सबको केवल थोड़ी बहुत खरोंच आके रह गई और कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जब फिर वृंदावन कभी आए तो उन्होंने बताया, गुरुजी एक बार ऐसा लगा कि बस हम बचेंगे नहीं, लेकिन अचानक हमने क्या देखा, एक गाय सामने आ रही है और हमको बचा रही है। व्यक्ति के अच्छे कर्म व्यक्ति के आड़े आ जाते हैं। और कभी आप देखो किसी का एक्सीडेंट होता है और गाड़ी में थोड़ी बहुत भी थोड़ा डेंट आता है और पता चला उसमें रहने वाले गए दो तीन दिन पार हो गए। व्यक्ति के अच्छे कर्म हमेशा आड़े आ जाते हैं। इसलिए मैं एक बात हमेशा कहता हूं, व्यक्ति को जीवन में हमेशा अच्छा ही करना चाहिए। अच्छा समझो, एक बहन की शादी हुई, ससुराल पहुंची, ठाकुर की बड़ी भक्त थी। ससुराल बड़ा ससुराल था, समय मिलता नहीं उसको पूजा वूजा करने का, लेकिन गोपाल जी को जल्दी से नहला देती थी, ना समय मिलता था माला करने का ना पाठ करने का उसको। लेकिन उसके जीवन में एक अच्छी बात थी। अच्छी बात यह थी कि निकलते बढ़ते काम करते करते हमेशा ठाकुर जी का नाम वो लेती रहती थी, हमेशा नाम लेती रहती थी। काम भी कर रही है तब भी नाम ले रही है, भोजन बना रही है तब भी नाम ले रही है, तब भी नाम ले रही है। और हम लोग अक्सर माताओं का एक स्वभाव होता है, जो घर में भोजन बनाती है ना, या तो टीवी चलता रहता है या मोबाइल पर गाने चलते रहते हैं उल्टे सीधे, और फिर सोचते हैं कि इस भोजन में स्वाद आएगा, जीवन में नहीं आएगा स्वाद, जीवन में नहीं आएगा। ठाकुर नाम लेते हुए भोजन बनाना, अब देखना भोजन नहीं अमृत हो जाएगा। वो हमेशा नाम लेती रहती थी। एक दिन रसोई में खड़ी थी, अचानक से रसोई की खिड़की जो थी उसके आंगन में खुलती थी। उसने क्या देखा, उसका 10-12 साल का बेटा आंगन में खेल रहा था और खेलते के धड़ाम से न गिरा।
जोर से आवाज हुई, उसने देखा बच्चा गिर पड़ा और बच्चे की खोपड़ी फट गई, खून निकला। तुरंत भाग कर आई, बच्चे को गोदी में लिया। दोपहर का 3 बज रहा था, भाग रही है भाग रही है, साधन नहीं मिला, पैदल भागी है 1.5-2 किलोमीटर बच्चे को लेकर। डॉक्टर के पास पहुंची, डॉक्टर ने देखा घाव था, घाव साफ किया और साफ करने के बाद एक आध दो टांके लगाए, बैंडेज की, घर आ गई। बच्चा 1-2 घंटे में नॉर्मल हो गया। शाम को सब लोग टीवी देख रहे थे, वो भी टीवी देख रहे थे। उसका मन टीवी पे नहीं लग रहा था, वो गोपाल जी को देख रही थी। कह रही, गोपाल जी एक बात बताओ भाई, मी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरा बच्चा। मैं आपको इतना मानती हूं, आज से आप मेरे कुछ भी नहीं हो, ऐसा भगवान से बोला। तो अचानक क्या हुआ देखो, अचानक जो घटना घटी थी वो दृश्य उसके सामने आ गया। दृश्य नहीं, अगर दृश्यम कहूं तो लोग समझ जाएंगे। मानो भगवान कह रहे हैं, अरे पगली तू क्या समझती है, मैं तेरे बच्चे का ख्याल नहीं किया, जरा सोच तो सही। कल तक आंगन में हैंडपंप का पाइप लगा हुआ था, अगर पाइप आज आज भी लगा होता तेरा बच्चा वहीं गिरा था, कुछ और भी अनहोनी हो सकती थी। कल ही मैंने उस पाइप को हटवाया, क्योंकि अपने पति से रोज कहती पाइप हटाओ पाइप हटाओ, तो कल ही उसके पति ने पाइप हटवाया। और तू क्या समझती मैं तेरे बच्चे का ध्यान नहीं रखा, तेरा भी 7 दिन पहले अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने बाल्टी उठाने के लिए मना किया और तू 14-15 किलो के बच्चे को लेकर ऐसे भागी जैसे कोई फूल सा बच्चा हो। बच्चे को मैंने बिल्कुल हल्का कर दिया। जो डॉक्टर 1:30 बजे उठ जाता था, तेरे लिए मैंने उसको 3 बजे तक बैठा के रखा, फिर भी तू कह रही है कि मैंने कुछ नहीं किया। हमारा देख बंधु, ये देखो, ये है जो व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं ना, उनके अच्छे कर्म हमेशा आड़े आ जाते हैं, आड़े आ जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा, बाबा हमारे इष्ट नारायण हैं और बाबा इस ये गिरिराज है ना, ये नारायण का ही रूप है गिरिराज पर्वत, हमको तो इन्हीं का पूजन करना चाहिए। अच्छा लाला, बाबा आपने कभी इंद्र का दर्शन किया? बोले कभी नहीं किया। जिस समय हम गिरिराज का पूजन करेंगे, गिरिराज बाबा प्रकट होकर साक्षात दर्शन देंगे। अच्छा लाला, बोले हाँ। क्या करना चाहिए? 56 भोग बनने चाहिए। 56 भोग बनकर तैयार हो गए। आपको पता है मैं राधे राधे क्यों बुलवाता हूं? पता ही नहीं? पता नहीं? पता सांवरो कन्हैया है राधा गोरी गोरी है, सांवरो कन्हैया है राधा गोरी गोरी है,
धूम मची ब्रज में वृषभान की वो छोरी है। धूम मची ब्रज में वृषभान की वो छोरी है। जिनकी अलकों पे राधे, जिनकी पलकों पे राधे, जिनकी अलकों पे राधे, जिनकी पलकों पे राधे, राधे बिना देखो श्याम आधे, राधे बिना देखो श्याम आधे, राधे 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 बोलो, राधे 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 राधे, जने राधे को नाम ले लियो, श्याम ने बा को भलो कर दियो, जने राधे को नाम ले लियो, श्याम ने बा को भलो कर दियो, श्याम की प्यारी राधे, कृष्ण की प्यारी राधे, श्याम की प्यारी राधे, कृष्ण की प्यारी राधे, राधे बिना देखो श्याम आधे, राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो, राधे 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 राधे। छप्पन भोग लगे, इधर इंद्र को पता चला, बेटा तू बैठा बैठा फोटो खींच रहा है, तुझे और कोई काम नहीं है, हैं? इतनी फोटो प्रिंट कराएंगे जजमान, क्यों भैया आपने कह रखा कि रोज 1000 फोटो निकालनी है, इसको बैठा बैठा जबरदस्ती खींच रहा है। हाँ भैया क्या हो गया, जोर से राधे राधे बोल, एक झांकी वाले हमारे साथ चलते थे पहले, तो लेडीज पार्ट भी करता था लड़का, तो मैं क्या देखता था कि वो लेडीज पार्ट करते करते उसकी सब स्टाइल लेडीज जैसी हो गई। गुरुजी क्या कर रहे हो गुरुजी, मतलब वो उसकी उसकी चाल भी बिल्कुल और बोलने की स्टाइल भी ऐसी। कहाँ भैया, ये जो भैया बैठे हैं ना, क्यों भैया आपका रहस्य खोलूं मैं, नहीं खोलूं बताओ, नहीं मना कर रहे हैं तो कोई बात, इधर इंद्र को पता चला कि हमरा पूजन नहीं हुआ, इंद्र ने आदेश दिया ऐसा बरसो ब्रजमंडल को डुबो के रख दो। घनघोर घटाएं छाने लगी, बरसात होने लगी, ब्रजवासी घबराए, कन्हैया बचाओ 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 बचाओ, भगवान ने कहा चिंता मत करो, हमने जिनका पूजन किया है ना वही रक्षा हमारी करेंगे। हे ब्रजवासियों काम करो, तुम सब की सब अपने अपने गौधन को लेकर गिरिराज जी की तलेटी पर आ जाओ। सब की सब गिरिराज जी की तलेटी पर आ गए और सब एक ही बात कहने लगे, धरण प्रभु तेरी शरण,
राधे तेरी शरण श्यामा तेरी शरण राधे तेरी शरण श्यामा तेरी शरण राधे तेरी शरण राधे तेरी शरण श्यामा तेरी शरण राधे तेरी शरण गिरिराज धारण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धारण प्रभु तेरी शरण बाप से ताली बजाओ किया कन्नी उंगली पे गिरिराज को उठा लिया और ब्रजवासियों ने डंडे लगा दिए और डंडे लगाकर कहने लगे अरे कन्हैया लाला चिंता मत करे हमने पकड़ रखे हुए और पसीने पसीने हो रहे हैं गिरिराज कौन उठा रखे हुए कन्हैया ने है ना और सखा लोग तो ऐसे ही पसीने पसीने हो रहे हैं ऐसे ही कोई कोई काम करते तो सब काम करते तो हमारे कन्हैया हैं हम लोग तो एवं ही पसीना बहा रहे हैं हमारे यहां भी देखता हूं मैं 5-7 लोग तो ऐसे ही भागते रहते कभी इधर भागेंगे उधर भागेंगे हमारा जबरदस्ती भागते रहते
कहते हैं जब चार दिन हो गए ना, गिरिराज उठाए तो चखा कहने लगे, कन्हैया एक काम कर, हाथ नीचे कर कर हाथ सुस्ता ले। कन्हैया बोले, मैंने हाथ नीचे कियो ना गिरिराज, तुम्हारी खोपड़ी भी गिरेगा। सका बोले, कन्हैया टुकलेट प्रेमी है गई है। बोले क्यों, इट्टे ने उठा रहा क्यों है क्या? कन्हैया बोले, और कौन उठा रहा क्यों है? सखा बोले, वो तो अपने डंडन पे हमने रोक रखे है। ओह, तुमने रोक रखे हो है? बोले हाँ। और कन्हैया ने अपनी उंगलियां नेक नीचे करी, डंडा टूटे, तड़ तड़ तड़, अल्लाह ला, पकड़िए 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 पकड़िए। भगवान ने सात दिन सात रात गिरिराज को उठाया। जब हम पढ़ते थे, किसी एक भक्त कवि की चार लाइनें हमको तब की याद है। कुब्रज का ही भक्त होगा, अरे ललिता विशाखा राधा रानी को छुपा लो, वृष भानु सुता को छुपाए रहो, वृष भानु सुता को छुपाए रहो, क्यों लख लियो उसको ब्रजराज नहीं, लख ले उसको ब्रजराज नहीं। अरे ललिता विशाखा राधा रानी को छुपा लो, उसको कन्हैया कहीं देख नहीं ले, देख लेंगे तो क्या हो जाएगा? वृष भानु सुता को छुपाए रहो, वृष भानु सुता को छुपाए रहो, लख लिय उसको ब्रजराज नहीं, लख ले उसको ब्रजराज नहीं। कर कंजन कांप उठे जिससे, कर कंजन कांप उठे जिससे, गिर जाए कहीं गिरिराज नहीं, गिर जाए कहीं गिरिराज नहीं। दिन रात सात समाप्त हुए, दिन रात सात समाप्त हुए, पर शांत हुआ सुरराज नहीं, पर शांत हुआ सुरराज नहीं। वृष भानु सुता को छुपाए रहो, वृष भानु सुता को छुपाए रहो। इसका भाव यह है, राधा रानी को छुपा लो, अगर कन्हैया देख लेंगे ना तो उनके हाथ कांप जाएंगे, अगर हाथ कांप गए तो गिरिराज गिर जाएगा, और गिरिराज हाथ पे है तो गड़बड़ हो जाएगा। ये किसी भक्त कवि की लाइनें हैं। कल भगवान को 56 भोग लगे, आज कई परिवार मिलने आए हमसे। एक ने पूछा, बोले गुरु जी भगवान को 56 ही भोग क्यों लगते हैं? कमियां ज्यादा क्यों नहीं लगते? समझो, हमारे ब्रज में, ध्यान देना, हमारे ब्रज में, किसके ब्रज में बोलो ना, हमारे ब्रज में,
कहते ना हमरा विहार हमरा विहार, आप बोलते नहीं बोलते हो हमरा ब्रज, हमारे ब्रज में आज भी ठाकुर को एक दिन में 8 भोग लगते हैं। कितने भोग लगते हैं? 8 भोग लगते हैं। तुमरे बिहार में ठाकुर को 8 लगते हैं क्या? नहीं लगते। घर में ठाकुर हैं, एक भी नहीं लगते। ये गलत बात है। या तो घर में ठाकुर होने नहीं चाहिए। अगर ठाकुर घर में हैं, तो विधिवत उनका भोग भी लगना चाहिए। आजकल समस्या है परिवारों में, परिवारों में प्याज बनती है, जनरल समस्या। नियम तो यह है कि जिस घर में ठाकुर जी हो उस घर में प्याज लहसुन नहीं आनी चाहिए, अगर ठाकुर को मानते हो तो। और ठाकुर जी के अलावा, प्याज लहसुन के अलावा और आप घर में क्या क्या आता है वो आप सब जानते हो। आप कहोगे गुरु जी चलो हम तो प्याज नहीं खाते लेकिन बच्चे नहीं मानते, समस्या आती। तो आप चाहो तो एक काम कर सकते हो। नियम तो है कि जिस रसोई में ठाकुर जी का प्रसाद बन रहा है उस रसोई में प्याज आनी ही नहीं चाहिए। अगर प्याज आ भी जाती है, बनती भी है, तो एक काम कर सकते हो, सब्जी में प्याज डालने से पहले बिना प्याज की सब्जी निकालकर ठाकुर जी को भोग लगा दो, अगर ऐसा संभव हो तो। नहीं हो तो कुछ मीठा भोग लगा दो, लेकिन घर में ठाकुर जी हैं तो भोग लगना ही चाहिए। हमारे घर में, हमारे ब्रज में ठाकुर को 8 भोग लगते हैं एक दिन में, अष्टयाम सेवा होती है। भगवान ने सोचा एक दिन में 8, ब्रजवासी तो 7 दिन के लिए यहां पर खड़े रहेंगे, भोग राग कैसे लगेगा, तो एक दिन में 8, तो 7 दिन में 8 7 जा, ए बच्चों 8 7 जा कितने होते हैं? 56। तो 56 भोग हमारी गोविंद की परंपरा है। अब तो देखो जिसको देखो उसको 56 भोग लग रहे हैं, बालाजी को भी 56 भोग लग रहे हैं, कैला मैया को भी 56 भोग लग रहे हैं, दुर्गा मैया को भी 56 भोग लग रहे हैं। ये 56 भोग की परंपरा हमारी ब्रज की परंपरा है। अब एक प्रश्न और है। अब आप कहोगे बोले गुरु जी भगवान ने इंद्र के पूजन को बंद क्यों कराया? तो प्रभु अपना पूजन चाहते होंगे कि हमारा पूजन हो ब्रज में? ऐसा नहीं। अगर भगवान की ऐसी इच्छा होती कि ब्रज में केवल हमारा ही पूजन हो तो भगवान और देवताओं को लेकर ब्रज में क्यों आते? आपको जानकर आश्चर्य होगा हमारे ब्रज में बद्रीनाथ भी है, केदारनाथ भी है, गंगोत्री भी है, जमुनोत्री भी है, गंगा सागर भी है, सारे तीर्थ हैं। आश्चर्य हो रहा है? नहीं हो रहा आपको? हो रहा है? नहीं हो रहा? अब समझो क्यों। नंद बाबा ने कहा कन्हैया हम सब तीर्थन में जाना चाहें। क्यों बाबा? बोले हमने मन्नत मांगी जो हमारे लाला होएगा हम सब तीर्थन में जाएंगे। तो भगवान ने कहा बाबा आप कहो तो सारे तीर्थों को यहीं बुला दूं। सच? बोले सच। तो भगवान ने क्या किया? सारे तीर्थों का आह्वान किया।
जो ब्रज की भूमि है ना, ये 84 कोस की भूमि है पूरी ब्रज की। तो उस 84 कोस की भूमि में भगवान ने अलग अलग जगह अलग अलग तीर्थों की स्थापना की। सब तीर्थों को बुलाया और नंद बाबा को 84 कोस की यात्रा कराई, सब तीर्थों का दर्शन कराया। ये 84 कोस की यात्रा आज भी होती है। इसको करने में लगते हैं पैदल 45 दिन, लेकिन भक्तों के आग्रह पर लगभग 20 साल से हम लोग वाहनों के द्वारा यात्रा करते हैं। सुबह वृंदावन से जाते हैं बालभोग नाश्ता लेकर, और दोपहर का भोजन हम लोग जंगल में जहां रहते हैं वहीं पर पहुंचता है। फिर शाम को गाड़ियों से लौटकर वृंदावन आते हैं, फिर भोजन प्रसादी, और रात को फिर सत्संग कथा होती है। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, शहरों में दुनिया पहुंचती है कथा करने के लिए, जो गांव के लोग होते हैं, छोटे कस्बे के लोग होते हैं, उनकी भावना बहुत अच्छी होती है, वो सुनना चाहते हैं। और ऐसी जगह पर वक्ता अधिकतर पहुंच नहीं पाते, उन लोगों का पहुंचने का सिस्टम नहीं बन पाता, जो भी हो, लेकिन आप लोग जहां भी चाहें और कैसा भी जगह हो वहां पर आप लोग बुला सकते हैं कथा के लिए, नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। एक बार राधे राधे बोलो। अगर ऐसा मन होता भगवान का कि ब्रज में हमारा ही पूजन हो, तो भगवान और देवताओं को लेकर क्यों आते? भगवान तो केवल इंद्र के मद को दूर करना चाहते थे, ये काम भगवान ने किया। और आज इंद्र भगवान से क्षमा मांगने के लिए आए। बड़ी सुंदर स्तुति इंद्र ने की है। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्करम मायामयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधो। इंद्र कहते हैं प्रभु आपका स्वरूप विशुद्ध है, इस संसार आपके लिए नहीं है, अब संसार से परे हो प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूं। इंद्र कहते हैं प्रभु ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अभिमान हो जाता है कि वो करने वाले हैं, प्रभु ऐसा अभिमान मुझ में आ गया था, मैं अपने आप को कर्ता मान बैठा था। हाँ, और प्रभु आपने मेरे अहंकार को तोड़कर बड़ा अच्छा किया। प्रभु मैं तो एक बात कहता, देखो मैं एक बात कहता हूं, चलते हम हैं, चलाने वाले हमारे ठाकुर हैं, खाते हम हैं, पचाने वाले हमारे ठाकुर हैं, सोते हम हैं, उठाने वाले हमारे ठाकुर हैं। ये मनुष्य अपनी इच्छा से एक पत्ता भी नहीं हिला सकता। और आज भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। इंद्र अपने साथ में कामधेनु गाय को लेकर आए, और कामधेनु गाय ने आज मेरे प्रभु का अभिषेक किया, और मेरे प्रभु का एक नया नाम पड़ा गोविंद। क्या नाम पड़ा? गोविंद। अब देखो भगवान ने गिरिराज को उठाया तो भगवान का नाम पड़ा गिरिधारी, गिरिवरधारी। कितनी सुंदर झांकी है ठाकुर की। भगवान ने गिरिराज उठा रखा है इस झांकी पर, तो बार 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 बलिहार जाने का मन करता है। Thank you.
शैली का भजन है। Thank you.
नरसी भगत को तार दिया है, नरसी भगत को तार दिया है, करमा बाई से तूने प्यार किया है, करमा बाई से तूने प्यार किया है। सांवरिया 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 गिरवर धारी रे मैं वारी जाऊं, सूरत पे थारी गिरधारी जी मैं वारी जाऊं, सूरत पे थारी गिरधारी जी मैं वारी जाऊं, सूरत पे थारी गिरधारी। भगवान एक शिक्षा और देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन एकादश्याम निराहारो समभर्ज्यो जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिद्या द्वादश्याम जलमा विशत। एक बार भाव से राधे राधे बोलो। नंद बाबा ने एक काशी का व्रत करते थे, उन्हें काशी का व्रत किया।
जरा समझो एकादशी के बारे में। महीने में कितनी एकादशी होती? हाँ, अरे सब पता आपको, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। देखो एक एकादशी ऐसी होती है जो द्वादशी की ओर झुकी रहती है, और एक एकादशी ऐसी होती है जो दशमी की ओर झुकी रहती है। जो व्यक्ति सकाम एकादशी करते हैं, सकाम माने किसी की कोई कामना होती है इसलिए एकादशी करते हैं, जो किसी के निमित्त एकादशी की जाती है वो की जाती है, वो लोग करते हैं जो एकादशी दशमी की ओर झुकी होती है। लेकिन निष्काम भाव से जो एकादशी की जाती है वही एकादशी करनी चाहिए जो एकादशी द्वादशी की ओर झुकी रहती है। एकादशी कैसे करनी चाहिए जरा समझो। अच्छा पहले ये बताओ आप में से कौन कौन एकादशी का व्रत करता है, हाथ खड़े करो। अरे वाह, बहुत लोग करते हैं, अच्छी बात। अब जब आप लोग व्रत करते ही हो तो आपको तो पता ही है व्रत कैसे किया जाता है ना, तो बताने की जरूरत है क्या? बोलो है, सुन लो, मुझे भरोसा है जैसा मैं बताऊंगा आप लोग वैसे ही करते, मुझे पता है, फिर भी मैं अपने मन के लिए बोल रहा हूं। हमको पता चले कल एकादशी है तो नियम यह है कि दसवीं की रात को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति दवाई खाता है तो भोजन कर ले, लेकिन चेष्टा करे दसवीं की रात चावल नहीं खाए। एकादशी के दिन भगवत आराधन करते हुए केवल मध्यान्ह के समय में, यानी दोपहर के समय में ठाकुर जी को दूध का भोग लगाकर और फल का भोग लगाकर ही ग्रहण करना चाहिए। फल माने फल। रात में बहुत ज्यादा मन करे तो केवल दूध ही लेना चाहिए। अगर संभव हो सके तो उस रात कुछ कीर्तन जगराता करना चाहिए, और अगले दिन यानी द्वादशी के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर ही भोजन करना चाहिए, अगर सामर्थ्य है तो। अगर सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको हमारे इतने ब्राह्मण कहां मिलेंगे, कोई बात नहीं, किसी मंदिर में सीधा भिजवा दो, किसी ब्राह्मण घर सीधा भिजवा दो, या कोई आपको लगे कि ये वास्तव में पात्र है, जाति कोई भी हो, ये पात्र है उसके यहां पर भोजन भिजवा दो। और द्वादशी को केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए, एक समय। इसको कहते हैं त्रिरात्रि एकादशी व्रत। क्या कहते हैं? त्रिरात्रि एकादशी व्रत। इसी व्रत को करना चाहिए, इसी व्रत की महिमा है। और मुझे आशा है आप लोग ऐसा ही करते होंगे। अरे बोलो ना, हमको पता चले कल एकादशी है
कि दसवीं की रात को खूब ठूस ठूस कर खाएंगे और एकादशी के दिन सुबह से जो खाना चालू करेंगे महाराज सोने तक खाते रहेंगे और दसवीं की और द्वादशी को कहेंगे अरे भगवान जल्दी भोजन बनाओ। किसी ने कहा इतनी जल्दी भोजन क्यों कर रहे हो? बोले कल एकादशी थी ना हमने कुछ खाया नहीं। ले खाया नहीं, किसको खाओगे भैया तुम ये बताओ पहले। एकादशी क्यों करनी चाहिए ये भी समझ लो, ध्यान दो। डॉक्टर भी कहते हैं महीने में दो दिन अन्न नहीं खाने से रक्त की शुद्धि होती है, रक्त की शुद्धि होती है और जो खून गाढ़ा हो जाता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उसके लिए इको स्प्रिन लेनी पड़ती है लोगों को। तो अगर विधिवत एकादशी करेंगे तो ये बीमारी नहीं होगी। दूसरी बात, आपको पता भी नहीं है मेरे देश में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां के बच्चों को दो समय का भोजन भी नहीं मिलता, एक समय का भोजन भी नहीं मिलता। मैं कथा करने गया था छत्तीसगढ़ से आगे वहां बस्तर जिले में, आदिवासी क्षेत्र था। यकीन मानना वहां मैंने माताओं के शरीर पर वस्त्र केवल लिपटा होता था, इतनी गरीबी मैंने देखी। वहां और बिहार के भी काफी क्षेत्र हैं आप सब जानते हैं। मेरे देश में करोड़ों लोग एकादशी करते हैं, करोड़ों लोग एकादशी करते हैं। अब सोचो एक दिन में कितना अन्न बचता होगा। अब जो अन्न बचता है वो उनके काम आता है, सरकार उनको भिजवाती है जिनके यहां एक समय का भी सिस्टम नहीं है। इसलिए भी एकादशी करनी चाहिए। अगर शरीर अलाउ करे तो जरूर करो, जरूर करो। कल एकादशी थी, जरूर करनी चाहिए बंधुओं। प्रत्येक वैष्णव को करनी चाहिए एकादशी। अब आप लोग भैया चालू कर दो, कर सकते हैं नहीं कर सकते है ना? नहीं कर सकते, काहे नहीं कर सकते? चावल चाहिए का तो चेष्टा करो कि जरूर करो। काशी एकादशी का एकादशी व्रत प्रारंभ करो आप लोग तीनों लोग। दूसरे भैया कहाँ हैं? अच्छा। नहीं ठीक है। तो और आप चेष्टा करो, आपके घर में गाय है, मैं रोज देखता हूं दर्शन करता हूं, आज दिखाई नहीं दी, तो चेष्टा करो जितने दिन गांव में रहो यहां रहो अपने हाथ से गाय को गुड़ रोटी खिलाओ।
ऐसा नियम बना लो। जहां शहर में तो रहते हो वहां तो मुश्किल होगा, लेकिन ढूंढने पर वहां भी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन यहां सहज है, यहां सहज है। आप करके देखो, आप करके देखो। तो नंद बाबा एकादशी का व्रत करते थे, भगवान शिक्षा देते हैं। रात्रि शेष थी, नंद बाबा को लगा भोर हो गई, यमुना में स्नान करने के लिए गए। वरुण जी के दूत नंद बाबा को पकड़ा, बाद में भगवान छुड़ा के लेकर आए। तो शिक्षा क्या मिली? जब शाम की आरती हो जाए तो किसी भी तीर्थ में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि तीर्थ सोते हैं, तीर्थ सोते हैं, तीर्थ को तो पहले उठाना पड़ता है, तीर्थ को उठाना चाहिए पहले। दूसरी बात, विशेष परिस्थिति में रात को स्नान कर सकते हैं, जैसे कुंभ है, संक्रांति है, ग्रहण है, ये पर्व है। लेकिन कि चलो पटना गए हैं, शाम को गंगा जी नहा लेते हैं, गर्मी पड़ रही है, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। शाम की आरती के बाद तो बिल्कुल स्नान नहीं करना चाहिए, तीर्थ सोते हैं। नंद बाबा से गलती हुई और भगवान ने शिक्षा दी। जब भी किसी तीर्थ में जाओ, एक बार राधे राधे बोलो, जोर से बोलो। मेरा निवेदन है माताएं थोड़ा थोड़ा आगे खिसक के आए, थोड़ा आगे खिसक, जल्दी खिसके आगे, खिसकना है, हिलना नहीं है। एक मैया ऐसे से हिल रही है कि बैठी बैठी, बहुत जगह है, आप भी खिसके थोड़ा थोड़ा। कहते हैं, ध्यान दो, किसी तीर्थ में जाओ तीर्थ के पुरोहित या तीर्थ के पंडे का जरूर पूजन करो। बिना तीर्थ के पुरोहित पंडित का पूजन करने के से आपकी यात्रा पूरी होती है। जो भी श्रद्धा हो उनको देना चाहिए, वो लोग आशा करते हैं। कहते हैं एक सेठ जी, सच्ची घटना बता रहा हूं, उनके गांव से गंगा जी 16 किलोमीटर दूर थी मात्र। उनकी पत्नी कहती है, जी गंगा तो नहा के आओ। सेठ जी ने मनी मन सोचा, ये रोज रोज कहती है जाओ, मां जाऊंगा, तीर्थ के पंडे पीछे पड़ गए तब क्या होगा। लेकिन पीछे पड़ी तो सेठ जी नंबर एक के कंजूस, कहते हैं सेठ जी पैदल पैदल गए गंगा जी। ध्यान दो, सेठ जी पैदल पैदल गए, और जानते हो कौन से घाट पर पहुंचे? जहां पर मुर्दे फूके जाते थे उस घाट पर पहुंचे। उनने सोचा अगर नहाने वाले घाट पे गया तो कोई ना कोई पंडा पकड़ लेगा,
कोई ना कोई पकड़ लेगा। अब 16 किलोमीटर पैदल चलकर आए, भगवान ने देखा इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने क्या किया, एक तीर्थ के पंडे का रूप बनाया, और जैसे सेठ जी ने गंगा जी में डुबकी लगाई और जैसे निकल कर आए, भगवान आए, जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। सेठ जी ने कहा आप कौन? बोल हम तीर्थ के पंडे। यहां क्या कर रहे हो? बेटा बात मत करो, यहां क्या कर रहे हो? भगवान ने कहा देखो हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, यहीं रहते हैं, साल में आप जैसा कोई आता है और साल भर का अन्न दे जाता है तो जीवन चल जाता है। सेठ जी ने मनी मन सोचा साल भर का, मैं एक दिन का नहीं दूं, साल भर की बात कर रहा है। भगवान ने कहा जजमान जी जब तक संकल्प नहीं करोगे तब तक यात्रा पूरी नहीं होगी। सेठ जी ने सोचा बुरे फंसे, बोले अच्छा हम देने को तैयार हैं। बोले कितने? बोले 5 पैसे। भगवान ने कहा दो? बोले वो भी उधार। भगवान ने कहा चलो ठीक है उधार से। अब भगवान ने सेठ जी का पूजन भूजन कराया और सेठ जी बिना अपना पता बताए जल्दी जल्दी घर आ गए। घर में आके सांस ली, हाथ पर धोकर बैठे और पत्नी से कहा जल्दी भोजन लगाओ। देखो पैदल गए थे और पैदल ही आए। मनी मन सोच रहे हैं हमने उसको पता ही नहीं बताया तो यहां तो क्या होगा, बस झंझट खत्म। अब भोजन करने बैठे ही थे इतने में द्वार खटखटाया। सेठानी ने द्वार खोला, बोले आप कौन? भगवान ने कहा तीर्थ के पंडे। बोले यहां क्यों आए हो? बोले सेठ जी ने गंगा स्नान किया था, 5 पैसे का संकल्प किया, वो 5 पैसे लेने आए हैं। सेठानी आई, क्यों जी थे कोई संकल्प करके आया? बोले हाँ करके तो आया 5 पैसे, लेकिन चिंता की बात नहीं है और हमने उनको अपना पता नहीं बताया। सेठानी बोले पता नहीं बताया, वो तो अठे आ गया है। अब एक बात बताओ, भगवान को किसका पता नहीं पता? भगवान को तो सबका पता पता है। सेठानी बोली वो तो खड़ा है, क्या कहें? सेठ जी ने कहा चाहे काम कर दो, कह दो सेठ जी बीमार हैं, 4-5 दिन के बाद में आना। सेठानी मुंह लटका कर आई, बोले सेठ जी बीमार हैं, पैदल गए थे पैदल आए हैं और 4-5 दिन के बाद में आना, जाओ। भगवान बोले सेठानी जी अब मैं जाऊंगा फिर आऊंगा, इससे अच्छा है 4-5 दिन यही कोने में पड़ा रहूंगा, खाने को दे देना, 4-5 दिन के बाद ही जाऊंगा। सेठानी आई, सेठ जी से बोली वो तो जावे ही कोनी, वो तो अठे ही है। सेठ जी ने सोचा बुरे फंसे, अब क्या करें? सेठ जी ने कहा चाहे काम करो, कह दो कि सेठ जी मर गए। सेठानी भी सेठानी थी, मुंह लटका कर आई, कहती है सेठ जी मर गए, अब आप जाओ। भगवान बोले जजमान मर गया और मैं चला जाऊं, बिना फूके तो नहीं जाऊंगा। अब तो महाराज पूरे गांव में भगवान गए खबर लगा दी, सेठ जी चले गए जल्दी आओ, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, महाराज सेठ जी गए। अब महाराज काठी कफन आ गई, लिटा दिया, लेके चलने लगे। सेठानी कहती है इन्हें मत ले जाओ, ये मरे नहीं है। भगवान ने कहा देखो देखो कैसी भारतीय नारी है, मरे हुए को कहती है कि मरे नहीं है।
और महाराज सेठ जी भी श्वास रोक कर ही पड़े थे। इतना बड़ा अभ्यास सेठ जी का, महाराज क्या बताएं। आए महाराज शमशान में, आए चिता तैयार करी और चिता पर लेटा दिया, जलाने लगे। भगवान ने कहा रुक जाओ। बोले क्या हुआ? बोले जजमान है, इसके कान में मंत्र फूंक दूं। लोगों ने कहा फूंक दो। भगवान आए और देखा श्वास बंद कर कर पड़े थे सेठ जी। भगवान जोर से हंसे, इतने कंजूस देखे जैसा कंजूस नहीं देखा दुनिया में। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा सेठ जी मैं बड़ा प्रसन्न हूं और मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं साक्षात भगवान नारायण हूं, आपको वरदान देने के लिए आया हूं। सेठ जी ने सुना कि वरदान दे रहे हैं। सेठ जी ने एक आंख खोलकर देखी, जो देखा ब्राह्मण, फिर आंख बंद कर ली। बोले तुम तो ब्राह्मण हो। बोले वरदान मांगो। सेठ जी ने कहा अगर वरदान देना चाहते हो जो 5 पैसे का संकल्प है वही छोड़ दो। बोलो राधे राधे। तो भैया तीर्थ में जावे, तीर्थ के पुरोहित का जरूर पूजन करें। भगवान एक शिक्षा और देते हैं, जब सारे के सारे ब्रजवासी लोग नंद बाबा से पूछ लेगे ये बालक है कौन, इतना झंझट, इतना हुआ, इतना कुछ हुआ, इतना संकट आया, तुम्हारे लाला ने दूर कर दिया, ये बालक है कौन? नंद बाबा ने कहा आप शंका मत करो, ये बालक और कोई नहीं, ये आपका ही लाला है। और क्या कहा था गर्गाचारी जी ने जन्म के समय पर? नारायण समो गुण ही, ये तो नारायण के गुण वाला होगा। बड़े बड़े ब्रजवासी लोग बात कर रहे थे, भगवान के सखाओं ने सुन ली और सखा सुनकर आए, कहने लगे चौरे कन्हैया हमने सुनी है कि तू भगवान है, हमने सुनी है कि तू भगवान है, तुम ते कौन कह रहो? तेरे बाबा कह रही कि मारो छोरा भगवान है। अगर तू भगवान है ना कन्हैया, तेने क्या कियो? कन्हैया बोले बता दूं, मैंने पूतना मारी, अघासुर मारे हो, तिनावर्त मारे हो। सखा बोले तो क्या कर दियो? मरे मराए में लठिया हमने भी मार देनी 3-4, इसका मतलब हम भी भगवान हो गए। अगर तुम भगवान हो ना, अपना बैकुंठ दिखाओ। ओहो बैकुंठ देखना चाहते? हाँ हाँ। और भगवान ने समस्त सखाओं को बैकुंठ पहुंचाया। जो बैकुंठ में आए, मधुमंगल बोलो श्री धामा। लाला बैकुंठ तो बड़ा सुंदर है रे। देखो सुंदरता की जो हद है ना वो बैकुंठ है। किसी जगह की हमको बहुत ज्यादा तारीफ करनी हो ना, हम कहते हैं भाई आपकी जगह तो बिल्कुल बैकुंठ जैसी है, ऐसे बोलते नहीं बोलते, पूरे बैकुंठ को सिर पे उठा लिया, पूरे बैकुंठ को सिर पे उठा लिया। मधुमंगल बोलो श्री दामा, कन्हैया काहे दिखाई नहीं पड़ रहे हो? और जैसे आगे गए देखते क्या है, शेष की सैया पर साक्षात श्रीमन नारायण, जिनकी 4 भुजाएं शंख चक्रदापद में लेकर बैठे थे। मधुमंगल बोलो सीतामा, देख 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 देख, हमारे कन्हैया बैठो हैं। एक शकम बोलो है तो कन्हैया, हमारे कन्हैया की 4 हाथे, हमारे कन्हैया के 2 हाथे जबकि 4 हाथ कैसे है गे? एक सखा बोलो कन्हैया उस्ताद है,
लकड़िया के दो हाथ लगा लिए दी से, एक सखा बोलो जाके घूम रो हाथ में चक्कर, जाके चक्कर को लेके आऊं। और जैसे आगे बढ़े सखा बोले इतने भगवान के लोग आए पीछे हटो, हमारा कन्हैया है, ये कन्हैया नहीं है, ये साक्षात श्रीमन नारायण है। सखा बोले नारायण है, वृंदावन आ गए। जब ब्राह्मण अनुकूल हो गए, सब चीज अनुकूल हो गई, तो आज अब भगवान रास रचाते हैं। देखो रास की कथा कहना संभव नहीं है। रास का श्रवण कर जब परीक्षित जैसे को शंका हो गई, हमारा आप तो हैं क्या, इसलिए रास की भूमिका जरूर बताना चाहूंगा। बहुत ध्यान दो, रास लीला कामपुर विजय की लीला है। रास के माध्यम से भगवान ने कामदेव को परास्त किया और यही कामदेव भगवान के पुत्र प्रद्युम्न बनकर आए। रास की कथा कह कौन रहा है, रास की कथा सुखदेव जी सुना रहे हैं। सुखदेव जी एक ऐसे महात्मा हैं जिनको ये नहीं पता स्त्री पुरुष में अंतर क्या है। जिसको स्त्री पुरुष का अंतर नहीं पता वो काम की चर्चा का खाक सुनेगा। दूसरी बात, कथा सुन कौन रहा है, कथा सुन कौन रहे हैं, एक ऐसे राजा परीक्षित जिनको कल प्रातः 12 बजे तक तो मरना है। कम से कम मरने वाला तो काम की चर्चा बिल्कुल नहीं सुनेगा। तीसरी बात, रास की गोपियां गली मोहल्ले की नहीं थी, उठ के चली आईं।
ऋषि रूपी गोपियां थी, वेद की ऋचाएं गोपियां थी, वेद के मंत्र गोपियां थी, जिन्होंने हजारों वर्ष तप किया तब जाकर वो गोपी बनी है, तब जाकर गोपी बनी है। रास का दर्शन कौन कर रहा है? ब्रह्मकुंड पर बैठे ब्रह्मा जी। हमारे वृंदावन में ब्रह्मकुंड है जहां पर बैठकर ब्रह्मा जी रास का दर्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, भगवान शंकर रास का दर्शन करने के लिए जाते हैं और रास में इतने खो जाते निकल कर नहीं आ रहे। मैया कहती आओ, वो हम नहीं आएंगे। भगवान शंकर अंदर बैठे हुए हैं और मैया बाहर खड़ी होकर बुला रही, आ जाओ आ जाओ। जितने भी शिव मंदिर है ना संसार में, जहां भगवान शिव हैं वहां पर मैया गौरी भी है। लेकिन वृंदावन में एकमात्र ऐसा शिव का मंदिर है जहां पर भगवान शंकर तो अंदर हैं, मैया बाहर खड़ी को बुला रही, आ जाओ आ जाओ। भगवान कहते हम नहीं आएंगे। और आज भी भगवान शंकर गोपी भाव से बैठे हुए हैं। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। अब जरा सोचो, भगवान शंकर कोई काम का दर्शन करने के लिए गए? काम का दर्शन करने के लिए गए नहीं ना। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनस्चक्रे योग मायां उपाश्रितः। भगवान के मन में भी रास की अभिलाषा जागृत हुई। भगवान ने पहली बार श्वेत वस्त्र पहने और भगवान जमुना किनारे पहुंचकर भगवान ने आज वेणु वादन किया। भगवान की बंसी को आप पकड़ लेंगे कैसे? कैसे? छोड़ दो बेटा, वहीं रख दे। कहते भगवान की बंसी को जैसे ही सुना, गोपी जो जो काम कर रही है ना, सारा काम छोड़कर भगवान से मिलने के लिए आई। आज हजारों गोपियां आई। जो भगवान ने गोपियों को देखा, स्वागतम बो महाभागा प्रियम के मैं करवाणी वा ब्रजस्या नामयम कच्चित द्रुतागमन कारणम। भगवान ने कहा आइए आइए आइए, आपका स्वागत है। यहां क्यों आई हो? गोपियां भी लो कर लो बात। पहले तो बुलाते हो, जब आती हैं तो कहते हो कि क्यों आई हो? भगवान ने कहा हमने बुलाया, ये गई थी ना हमारी सौत, ये तुम्हारी सौत कहां से आ गई? अरे ये जो बंसी है ना हमारी सौत बा। भगवान ने कहा लौट जाओ। बोले कहां जाएं? घर जाओ, पति की सेवा करो,
पति कैसे भी से स्त्री को सेवा करनी चाहिए, उससे क्या होगा? धर्म की प्राप्ति होगी। उससे क्या होगा? तुमको भगवान मिल जाएंगे। गोपियां कहती कन्हैया जब आप हमको मिल गए हो ना, हमें किसी भगवान से लेना देना है ही नहीं है। एक गोपी कहती है कन्हैया आपसे एक बात कहें, आप में ऐसा है क्या तुम इतरा रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं है। भगवान कहता हूं मैं कुछ नहीं है, बोले तुम्हें कुछ नहीं है। गोपी कहे तुम नंबर एक के काले कलूटे, ध्यान दो। भगवान बोले गोपी देख तू हमसे काला कलूटा काला कलूटा नहीं कहेगी। गोपी कहती तुम काले कलूटे काले कलूटे काले कलूटे। गोपी कहती है सुन ले कन्हैया सुन लो, ना तुम रूपवान। कैसे? काले ना रूपवान। यहां बैठ जाइए माता जी, इधर सामने जाओ बच्ची को गोद में, बेटा इधर नीचे बैठ, नीचे बैठ जाओ। अब बच्चे ना छोटे से नीचे बैठ जाओ, ध्यान दो। न तो रूपवान न यशवान न धनवान, माना कि तुम्हारा कोई काम भी अच्छा नहीं है। भगवान का क्या काम था? दिन भर गैया की पूंछ पड़कर हुर्रे हुर्रे कहकर पीछे घूमते रहते। कन्हैया बोले गोपियों की बात बता, न हम रूपवान न हम धनवान न यशवान, माना कि हमारा कोई काम भी अच्छा नहीं है। जब हम में इतने दोष हैं तब तुम यहां पर क्यों आए? गोपियां कहती कन्हैया हम आना नहीं चाहती थी। तो क्यों आ गई? बोले एक मजबूरी खींच के ले आई। क्या मजबूरी? क्या मजबूरी? गोपी कहती है कन्हैया तुम में बहुत दोष है, तुम में एक गुण है जिस काम तुम्हारे पास में खिंची चली आई है। कन्हैया बोले हम में गुण है? बोले है, बताऊं हम नहीं बचाएंगे। अगर हमने बचा दिया ना कन्हैया तुम भूल जाओगे। कन्हैया बोले गोपी बता देना हम नहीं बताएंगे। अगर बता दिया ना इटराओगे कन्हैया। गोपी बोले कन्हैया बोले गोपी बता देना हमें क्या गुण है। गोपी कहती कन्हैया हम कहना नहीं चाहती थी लेकिन तुम कहने पर मजबूर कर रहे हो, तुम बता देती हैं। तुम में लाख दोष हैं। अरे दोष नहीं है, तुम्हारे अंदर दोषों की खान है। लेकिन दोषों की खान में एक गुण का हीरा भी है। तुम में सबसे बड़ा गुण यह है कि तुमसे प्रेम कोई करे निभा तुम लेते हो। तुम में सबसे बड़ा गुण यह है। कोई 80 बस की वृद्धा चली आवे गले से लगा लेते हो, युवती चली आवे गले से लगा लेते हो, कोई बच्चा चला आवे गले से लगा लेते हो। तुम्हें सबसे बड़ा गुण यह है कि तुमसे प्रेम कोई करे निभा तुम लेते हो। भगवान ने कहा लौट जाओ। एक गोपी कहती कन्हैया आपसे एक बात कहें, पति भोजन कर रहा थाली सामने रख दी, सब्जी रख दी, दाल रख दी, चावल रख दिया, पानी रख दिया, रोटी देने जा रही थी। जैसी तुम्हारी बंशी की ध्वनि को सुना ना, ये देखो रोटी लिए ली यहां चली आई हूं। रोटी खाओगे? लो खा लो। एक गोपी कहती कन्हैया मेरा बच्चा भूख के मारे रो रहा था, अपने बच्चे को मैं दूध पिला रही थी और जैसी ही बंशी की ध्वनि सुनी बच्चे को पटक कर यहां चली आई हूं। काम नहीं होती ना, काम नहीं होती तो
बंठन के आती। हमने तो यहां देखा अपने आप को अस्वस्थ वरना हाँ, दुपट्टा कहीं जा रहा है, पल्ला कहीं जा रहा है। एक गोपी कहती कन्हैया आंख में काजल लगा रही थी, डेढ़ आंख में काजल लगा लिया और तुम्हारी बंसी को सुना आदि में लगाना भूल गई, देखो अभी भी हाथ में काजल लग रहा है। एक गोपी कहती कन्हैया आंगन लीप रही थी, गोवालो लीपना याद है कि सब भूल गए, सब भूल गए, सब पक्का बन गया। आंगन लीप रही थी और जैसी बंसी की ध्वनि को सुना छोड़कर भागियो, देखो हाथ में अभी भी गोबर मिट्टी लग रही, कहो तुम्हारे गाल पे लगा दे कि नहीं है। बहुत सी बातें हुई, रास भगवान रास में प्रवृत्त हो गए, दिव्य रास प्रारंभ हुआ। रास करते करते जब गोपियों के मन में भाव आया, जिन कृष्ण को बड़े बड़े योगी प्राप्त नहीं कर पा रहे वो कृष्ण आज हमारे साथ में आज नाच रहे हैं, बस गोपियों का अभिमान आया, भगवान गोपियों के बीच में संतर्ध्यान हो गए, गोपियां बावरी हो गईं। गोपी ने भगवान के लिए गीत गाया जिसको भागवत में गोपी गीत कहते हैं। गोपी गीत में 19 श्लोक हैं, अगर एक श्लोक में एक दिन भी लगाएं तो गोपी गीत में कम से कम 19 दिन तो गोपी गीत में चाहिए। एक सुन लो, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदा ततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना भूरिदा जना। मानो गोपियों ने कहा कन्हैया मर जाएंगी, तो भगवान ने कहा मर जाओ ना, मरती क्यों नहीं हो। गोपियां बोली हम मर जाती लेकिन क्या करें, तुम्हारी कमबख्त कथा हमको मरने भी नहीं देती। तब कथा मृतम तप्त जीवनम, गोपियां कहती को नहीं हाँ जैसी तुम्हारी कथा कान में पड़ती है ना हम मरी हुई भी जीवित हो जाती हैं। गोपियां कहती हैं कन्हैया इन कथा करने वालों को तुमने क्या दे दिया है जो तुम्हारी कथा को इतना प्रेम से सुनाते हैं। कथा सुनकर घर छूट गया, परिवार छूट गया, मारी मारी फिर रही हैं। किनकी वजह से? इन कथावाचकों की वजह से मारी मारी फिर रही हैं। तो गोपियां कहती हैं कथावाचकों हम तुमको श्राप देती हैं, जैसे हम मारी मारी फिर रही हैं ऐसे तुम भी मारे मारे फिरोगे। बोलो राधे राधे। क्या बता मैं, गोपियों का श्राप जो लग गया है, जब देखो भागवत की पोथी को बगल में दबाए घूमते रहते हैं, कभी कलकत्ता जा रहे हैं, कभी बंबई जा रहे हैं, कभी लंदन जा रहे हैं, वृंदावन वाले हैं, वृंदावन रहने का सौभाग्य तो मिलता ही नहीं। आप यकीन मानना दीपावली के अगले दिन निकले हैं हम लोग, होली पर घर पहुंचेंगे। हमारे जो तबला वाले त्रिलोकी जी है ना, इनका अभी अभी शादी हुई है दिसंबर में, इनकी पत्नी ने फोन कर दिया आ जाओ नहीं तलाक मिल जाएगा तुमको। बोलो राधे राधे। अब रोजाना कहते हैं गुरुजी कुछ तो छुट्टी दे दो, कुछ तो छुट्टी दे दो। अब इनको मैं क्या बताऊं, गोपियों का श्राप जो लग गया है, जैसे हम मारी मारी फिर रही हैं तुम भी मारे मारे फिरोगे।
गोपियां कहती हैं, हे कथावाचको, हम कृष्ण के लिए मारी मारी फिर रही हैं और तुम कृष्ण नाम के लिए मारे मारे फिरोगे। हम तो भैया किस नाम के लिए मारे मारे फिरते रहते हैं। देखो जब यहां आए थे हमको तो ये भी नहीं पता था कि कौन जजमान है। बोलो राधे राधे। और जब दीपक भैया वृंदावन आए थे हम तब भी वृंदावन में नहीं थे। हमको नहीं पता कि हम कथा करने कहां जा रहे हैं। ऐसा लगा था कि अनजान जगह आ गए हैं। लेकिन अब इन 6 दिन में ऐसा लगता है कि आप अपने हो। आपका और हमारा संबंध क्या है, आपके हमारे बीच में क्या है, ये भागवत है। कथा का ही संबंध तो है। हमको तो भैया जो जहां बुलाता है प्रेम से पहुंच जाते हैं। आज गोपियों ने गीत गाया, भगवान प्रकट हो गए, दिव्य रास प्रारंभ हुआ। देखो रास होगा। आपसे एक निवेदन मैं कर दूं हाथ जोड़कर, जो जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे। और रास के बाद में ठाकुर जी का विवाह उत्सव होगा। और एक व्यवस्था मैंने देखा है, कल बड़ी भगदड़ आपकी मच गई। जो भी कन्यादान देना चाहते हैं, जो पूजन करना चाहते हैं, यहां आना संभव नहीं है, आप लोग अपने स्थान पर ही बैठे रहना। हमारे 2-4 कार्यकर्ता वहीं आएंगे, आप वहीं बैठे बैठे कन्यादान डाल देना, यहां मत आना। क्योंकि उठ के आएंगे सारे सिस्टम बिगड़ जाएगा। ठीक है? अरे मुंडी तो हिला दो, झूठ मुठ को सचमुच को। बोले रास बिहारी भगवान की जय। We'll be right back.
छवि ते सब बलिहारी गोपी वाले और बिटिया श्याम छवि पे सब बलिहारी गोपी वाले और गैया श्याम छवि पे सब बलिहारी गोपी वाले और गैया सरर सरर चाले रे पावन
श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। जल्दी से बैठे, ठाकुर जी का पूजन करें। जजमान भैया आए, जल्दी से अब बैठ जाएं आप लोग, जल्दी से बैठे, जल्दी से बैठे आप लोग। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोपी ग्वाल और गैया। श्याम छवि पे सब बलहारी, गोपी ग्वाल और गैया हो।
सरर सरर चाले रे पावन पुरवैया रे, सरर सरर चाले रे पावन पुरवैया रे, मेघा गाजे रे श्याम संग बोलो ना, राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे रे, गोकुल में देख्यो वृंदावन में देख्यो, गोकुल में देख्यो वृंदावन में देख्यो, मुरली बाजे रे श्याम संग बोलो ना, राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। राम रूपे भवे सीता रुक्मणी किस जन्मनी, राम रूप में जो सीता होती हैं वे किस जन्म में रुक्मणी होती हैं। रुक्मणी मनीमन मेरे प्रभु को चाहती हैं और महाराज भीष्मक चाहते मेरी बेटी का विवाह द्वारकाधीश कृष्ण के साथ में हो जाए। जो रुक्मी था ना रुक्मणी का भाई, इसकी ऐसी इच्छा थी मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में हो। देखो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, नहीं चाहकर भी माँ बाप को उनकी बात माननी पड़ती है। शिशुपाल के पास समाचार पहुंचा, शिशुपाल बारात लेकर चल दिया। इधर रुक्मणी ने एक पत्र लिखा, ब्राह्मण के हाथ में दिया और पत्र लेकर ब्राह्मण भगवान के पास में आए। भगवान ने पत्र पढ़ा, जैसा पत्र रुक्मणी ने भगवान के लिखा ऐसा पत्र आज तक कभी किसी ने किसी के लिए लिखा नहीं था। आपको बताएं पत्र में क्या लिखा था, बोलो बताएं। किसी का पत्र पढ़ना क्या अच्छी बात होती है? आपके गो में ऐसे होता है? ऐसा प्रश्न, ऐसा पत्र था जो आज तक कभी किसी ने किसी के लिए लिखा नहीं। पत्र में सात श्लोक थे। इन श्लोकों की चर्चा मैं कल कथा में करूंगा बैठते बैठते। भगवान पत्र पढ़कर आए। इधर रुक्मणी माँ गिरिजा का पूजन करने के लिए गिरिजा मंदिर में आई। अब बस भगवान भी वहां पहुंचे। रुक्मणी जैसी मंदिर से निकल कर देखती भगवान आए क्यों नहीं। रुक्मणी के रूप सौंदर्य को जैसे ही सैनिकों ने देखा, हमारी राजकुमारी इतनी सुंदर है, शिशुपाल इसके लायक नहीं है। तुरंत भगवान आए, रुक्मणी का हाथ पकड़ा, रथ पर बैठाया, ले गया, हल्ला मच गया। युद्ध करने के लिए भगवान ने सबको परास्त कर दिया। रुक्मी आया युद्ध करने, भगवान रुक्मी को परास्त कर दिया। रुक्मी ने अलग भोजकट नामक नगर बसाया और आज भगवान दुल्हा बने हैं, रुक्मणी दुल्हन बनी है। आधे बोले हम घराती हैं, आधे बोले हम बराती हैं। संग उपंग विधि से भगवान का विवाह रुक्मणी के साथ संपन्न हो गया। बोलो राधे सिंगार सावरे तेरा किसने किया, सिंगार सावरे लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे तेरा किसने किया, सिंगार सावरे तेरा किसने किया, सिंगार सावरे। मस्तक पर मल लागे चंदन की सर तिलक लगाया, सर तिलक लगाया, सर तिलक लगाया, कहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, जिसने तुझे सजाया, जिसने तुझे सजाया, सजाता रहे भैया, सजाता रहे हर बार सामने हो तेरा किसने किया, सिंगार सामने तेरा किसने किया, सिंगार सामने सिंगार सामने सिंगार सामने।
भजन सुनाऊं, कौन सा भजन सुनाऊं, कौन सा भजन सुनाऊं, ऐसा कोई गीत बता दे तू नाचे में गाऊं, है तू नाचे में गाऊं, तू नाचे में गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरे शीश में सोए प्यारी हंसी मेरों ने, और बाबा तेरे शीश में सोए प्यारी